और लखनऊ से बड़ी खबर है जहां कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, साथ ही साथ बाजार के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। स्कूलों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन हो। क्लास के अंदर बच्चों को पर्याप्त दूरी पर बैठाया जाए। सभी जगहों पर थर्मल स्कैनिंग हो। बच्चों की तबीयत खराब होने पर स्कूल ना भेजें। ये गाइडलाइन जारी की गई है। जिस तरह से कोरोना के एक बार फिर से एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, इस बीच ये गाइडलाइन जारी की गई है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है। कोविड से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाएं, सीएम ने ये कहा है। भीड़भाड़ से बच्चे जो है वो बचे, साथ ही साथ बुजुर्ग भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, भीड़भाड़ से बचते हुए नजर आए ताकि कोविड के केसेस बढ़े ना। अप्रैल में अगर बात की जाए तो 0.65% रही है पॉजिटिविटी दर। हर जिले में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो है बनाया गया है। निकाय चुनाव के बीच सुरक्षा जो है वो बेहद जरूरी है। देखिए, सीएम ने साफ तौर से कहा है कि एक तरफ निकाय चुनाव है और इस बीच जो सुरक्षा है वो बेहद जरूरी है, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सीएम ने टीम 9 के साथ बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद ये निर्देश देखने को मिले हैं, और जिसमें उन्होंने बोला कि अप्रैल में 0.65% रही पॉजिटिविटी दर, साथ ही साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो भीड़भाड़ से बचें, कोविड से बचाव के लिए जागरूकता जो है वो और बढ़ाई जाए। पढ़ते आगे, उत्तराखंड में सियासी